आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नतीजे जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूंगा कि दो और हाथ मिलाए आप, दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे जाएंगे इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामला को जो है वो बेहतर करने, और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। ताजिर आरिफ हबीब की वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI से हाथ मिलाने की तजवीज़। कहा, चाहता हूँ आप एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों और दूसरा हाथ अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहद कर लें कि अगले 5 साल में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, महंगाई और बेरोजगारी को कम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सिंध में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मईशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के माबैन इश्तराक नागुज़ीर है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। सूबा सिंध खसूसन कराची में तरसील आपके दीरीना मसाइल का जल्द अज जल्द हल तलाश किया जाए। मुल्क में नई सियासी जमात के कयाम का खाका तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नई सियासी जमात का बज़ाब्ता ऐलान अगले माह होगा। शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर सियासी रहनुमा जमात का हिस्सा होंगे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का भी जमात में शमूलियत का इम्कान। नई सियासी जमात के मंशूर समेत जमात की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल होगी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। सदर ममलकत कहते हैं, ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें, ज़राअत ज़रई आलात और दीगर आलात की तैयारी में सरमायाकारी की जरूरत है। सदर ममलकत का कानकनी और मादनियात के शोबे में दो तरफा तआवुन पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन देरीना ताल्लुकात हैं। Which is against the regulatory procedures. यहाँ पर मिनिस्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि चूँकि ये एग्रीगेट पे करते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए करते हैं और प्योरली टेक्निकल इश्यूज़ पे नहीं करते, इससे जो कंज्यूमर है वो शदीद मुतासर होता है, एक्सेसिव लोड शेडिंग होती है। शर्मिला फारूकी बनी कराची के आवाम की आवाज़। शर्मिला फारूकी ने कौमी असम्बली में कराची में लोड शेडिंग के हवाले से सवाल उठा दिए। MNA शर्मिला फारूकी कहती हैं, यहाँ तकनीकी नहीं बल्कि कमर्शियल बुनियादों पर लोड शेडिंग हो रही है, कराची का आम आदमी पिस रहा है, क्या इसके लिए हुकूमत कुछ कर रही है? शर्मिला फारूकी के सवालात के जवाब देने के बजाय वजीर तवानाई ने सारा मामला बिजली चोरी पर डाल दिया। और तूफानी बारिशें मजीद होंगी, PADMA का अलर्ट जारी। 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें और जालाबारी का इम्कान। 26 से 28 अप्रैल जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिशें होंगी। मरी, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन और लाहौर में बादल जमकर बरसेंगे।